मैं आरपी सिंह, आप सभी लोगों को यूपी टेट 8 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग अपना बुकलेट का सीक्वेंस देख लीजिएगा, विकल्प भी आगे पीछे हो सकता है तो वहां से मिला कर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दिया है, इसके आमने सामने जो संख्या लिखी है हर अंकों का क्यूब लिखा गया है। तो 3 के सामने 27, 1 के सामने क्या होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, तो इसका विकल्प नंबर 3 होगा, जिसका आंसर क्या होगा, 1। आगे दिया गया है कि किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, तो आयत चित्र, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला आयत चित्र। 111 का आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 2। 112 हम देख रहे हैं तो किसी त्रिभुज को बनाने के लिए 3 भुजाओं को लेना होता है, इन्होंने 4 भुजा दिया है, तो इसका नियम होता है कि बड़ी भुजा जो होती है दोनों छोटी भुजाओं के योगफल से छोटा होना चाहिए, तो इससे कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो सिर्फ 1 त्रिभुज बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक, अंश में 2 जोड़ें और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न बताइए, तो इसका सटीक आंसर, सही आंसर होगा 4/9, विकल्प नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन देखा जाए, इसके एक आयत के लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5%। क्वेश्चन नंबर 92 देखा जाए, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 72, इसको आप बोलेंगे 72, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये आगे देखते हैं, 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है, वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़कर 2018 का वेतन तक पहुंच गया, तो वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका 1,00,000 रुपये। 2 संख्याओं का मस 6 तथा उसका लस 432 है, यदि 1 संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 54। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रिपीटर क्वेश्चन है, ये हर बार पूछता रहता है, इसको जरूर तैयार रखिएगा आप लोग। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 27 यानी कि 27 तारीख को पड़ेगा। 1 त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 6, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 10 रुपये की 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो 10% की हानि होगी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पूछा गया 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो इसमें 2 आंसर सही हैं, 1/1000 किलोग्राम और विकल्प नंबर बी 10^-3 किलोग्राम। तो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बी, विकल्प नंबर 2 में ए बी लिखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा 0.01 का स्क्वायर को प्रतिशत में लिखने के लिए, तो इसको भी आपको 2 विकल्प सही है, 0.01% सही है और विकल्प नंबर डी यानी 1/100% सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का A और D। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/36। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तो चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24.4%, विकल्प नंबर 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। एक कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती है, उनकी न्यूनतम संख्या पूछा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 814, इसका आपका राइट आंसर 814 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इसको निकालेंगे तो इसका इकाई क्या आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, किसी भिन्न के अंश में 20% और उसके हर में 25% बढ़ा दिया जाए, तो भिन्न 3/5 हो जाती है,
तो प्रारंभिक भिन्न बताइए, तो इसका प्रारंभिक भिन्न हो जाएगा आपका 5/8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 से भाज्य होने वाली संख्या, तो 8 से भाज्य होने वाली संख्या आपकी क्या है? तो आपको विकल्प नंबर 1 भी 8 से कटेगा, विकल्प नंबर 3 भी 8 से कटेगा, इसलिए दो दो आंसर सही हो जा रहे हैं। तो इसके लिए मल्टीपल च्वाइस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर कहा जाएगा। एक पाइथागोरस प्रमेय की सबसे छोटी भुजा के बारे में बात किया है, तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होगा आपका, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तब 289 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107 में पूछा जेड के स्थान पर क्या रख दें जिससे 9 से विभाजित हो जाए, तो अंकों का योगफल यदि 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, तो जेड के स्थान पर 7 रख देंगे तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। 7 रख देंगे तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, राइट आंसर होगा इसका 7। वैसे इसको देख लिया जाए, पूछा इसके स्थान पर क्या होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बराबर 4, बी बराबर आपका 3 आ जाएगा और सी बराबर 1 आ जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 81/40। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सरल कीजिए, सरलीकरण है, इसको सॉल्व किया जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा -5। पूछा कि इसका लस 4, इसका सॉरी मस 4 और लस 24 कब होगा, जब एक स्थान पर कौन सा मान रखेंगे, अगर एक स्थान पर आप 12 रख देंगे तो 12/8 का मस 4 और 12 और 8 का लस आपका 24 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा इसका 12 होगा। आइए 116 को देख लेते हैं, पूछा गया कि एक खेत का विकर्ण 17 मीटर, परिमाप 46 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 120 राइट आंसर हो जाएगा। पूछा सरल कर्म प्राप्त होगी संख्या, अगर इसको सरल कर 2 मिलेगा, 2 एक अभाज्य संख्या, 2 एक सम संख्या भी, 2 2 से का गुणज भी है जिसको मल्टीपल कहते हैं, इसमें 3 आंसर सही है, तो इसके लिए आंसर बोलना पड़ेगा विकल्प नंबर ए बी सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ये राइट आंसर है आपका, जैसे जैसे 9 एक भाज्य संख्या भी 9 एक विषम संख्या, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। आगे देख लेते हैं, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 6। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो अनंत, जिसको बोलते हैं हम लोग असंख्य बोल सकते हैं, बहुत से बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेखा बिंदुओं से मिलकर ही बनती है, तो इसका आंसर विकल्प नंबर 1 होगा। इस तरह से देखा आपने सभी प्रश्नों का हम लोग सटीक आंसर दे चुके हैं, तो आगे आप लोग इसको देखते रहिएगा, और इसी तरह का सलूशन पाने के लिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसको लाइक भी देना होगा आपको, और आपको बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपको जो इस तरह के बार बार एग्ज़ाम होते रहते हैं उनका आंसर की या सलूशन पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।